जैसे जैसे शहरों में लॉकडाउन हो रहा है, जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं, 3,60,000 ठीक कह रहे हैं अभय जी कि ये कोई खुश होने वाली स्थिति नहीं है, आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ 4 लाख से कम आया है, ये थोड़ी सी राहत की बात है। अभय जी, हमने पहले ही आपसे ये बात कही थी। अभय जी, जब पहली लहर के बाद केंद्र ने ये अधिकार दिया राज्यों को कि वो अपने हिसाब से फैसला कर सकता है, ये एडवाइजरी जारी की कि सेकेंड वेव के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप ऑक्सीजन की तैयारी रखिए, आप हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कीजिए और देख के रखिए कि आपको जूझना पड़ सकता है, क्या तैयारियां केंद्र राज्यों ने की या सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी भूल कर अभय जी सिर्फ केंद्र पर ही उंगली उठाएंगे? सईद जी, देखिए, केंद्र पर को सही रास्ता दिखाना, केंद्र पर उंगली उठाना ये प्रतिपक्ष का दायित्व है, नहीं तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक कही थी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कि सरप्लस ऑक्सीजन है तो आप समूचे विश्व के राष्ट्रों का इतिहास उठाकर देख लीजिए महामारी में वो कैसे लड़े हैं। ऑक्सीजन मैपिंग तो केंद्र सरकार को ही करनी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसका ये गंभीर आरोप था कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक उनके ऑक्सीजन कंटेनर्स को रोक कर रखा, जिससे उनके यहाँ मरीजों को बहुत परेशानी हुई। तो ये केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो उसकी मैपिंग करें, अगर उड़ीसा में ऑक्सीजन सरप्लस है तो वो कैसे आप दूसरे स्टेट को सप्लाई करेंगे, हिमाचल में एक्सेस है तो वो कैसे सप्लाई करेंगे। और ये राज्यों का समन्वय अभय जी नहीं हो सकता, राज्यों के बीच इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। ये तो हुआ था, ये तो दिल्ली राजस्थान में हुआ, अभी खूब लड़ाई हो रही है, ये तो हरियाणा और दिल्ली में ये हुआ। नहीं, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं सर, आपसे सिर्फ समझना चाह रहे हैं। मैं वही समझा रहा हूँ, केंद्रीय सब कुछ करेगा, भाई राज्य आपस में भी कुछ कर। सुनिए ना, इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में केंद्र सरकार को, बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो 25 मार्च 2020 को मीटिंग ली, उसके बाद 22 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर निकाला केंद्र सरकार ने, और ये तब कहा कि कैसे हमको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलेंडर को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, ये तो उन्हीं को करना था। दूसरा बहुत अच्छा सवाल आपने किया और उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है, वैक्सीन का मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि फ्रांस ने 24.18% अचीव कर लिया है वैक्सीनेशन, उसके केसेस कल आए सिर्फ 19,000। जर्मनी ने 29% अचीव किया है, उसके कल केसेस आए 17,000। इसराइल ने 62% कर लिया है, उसके केसेस कल आए सिर्फ 30। यूके ने 51%, उसके कल केसेस आए 2,490। यूएस में सेकंड वेव थी, 3 लाख केसेस तक आए थे, लेकिन उसका 44% वैक्सीनेशन हो गया और सिर्फ 49,000 केसेस आए। सुनिए ना, तो हिंदुस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरा फोकस कीजिए वैक्सीनेशन पर। जो गलती इन्होंने रेमडेसिविर में की, जो ऑक्सीजन मैपिंग में की, उसको समय रहते आज भी सुधारने की आवश्यकता है। आखिरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, देखिए आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाइए, लेकिन ये आपके पास ही अधिकार होना चाहिए कि जो 20% अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको न्याय से फैसिलिटेट कीजिए, कम से कम 6 माह तक, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। बार बार आप राज्यों का विषय कह रहे हैं कि राज्य लगाए, नहीं, आज प्रधानमंत्री जी आपको दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। आपके तथाकथित 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 रुपए भी लोगों को नहीं मिले, आप न्याय की योजना लागू कीजिए, आपके नाम से कर दीजिए, कोई हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आप ही की तरफ से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा सुझाव है, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से होना चाहिए। गौरव जी, मनोजीत जी और राजीव जी दोनों ने कहा, वैक्सीन की बात यहां पर दोनों ने उठाई और सुविधाओं की बात दोनों ने उठाई, और ये जिम्मा, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई केंद्र ने तो बता दिया था पहली वेव के बाद कि आप लोग तैयार रहिए, ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की अपनी स्थिति भी देख लीजिए, बेड भी देख लीजिए, क्योंकि सेकंड वेव आने वाली है, आएगी ही, तैयारी रखिए आप, लॉकडाउन का अधिकार भी आपको दिया जाता है, वो भी आप कीजिएगा। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर गौरव जी कि जिम्मेदारी केंद्र की कम हुई क्योंकि राज्यों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन जो जिम्मेदारी केंद्र की थी क्या कहीं ना कहीं उसे निभाने में केंद्र असफल रहा है? सही जी, मेरी एक आपसे गुजारिश है, आप ब्रेक पे चले गए और मैं समझता हूं कमर्शियल ब्रेक बड़े ही आवश्यक होते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि देखिए एक अच्छी डिबेट चल रही थी, मैं भी अपने समय का बड़ी इंतजार कर रहा था, अब बिंदुवार तरीके से अपनी बात रखता हूं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की बात करिए,
हमें ये जानना होगा हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, बेड्स, अस्पताल, दवाइयां, ऑक्सीजन, ये सब जो है ये प्रदेश सरकारें भी बड़ी कुशलता से पूर्ण कर सकती हैं, लेकिन उसकी मैपिंग जो है वो केंद्र सरकार करता है। ये देखिए राजस्थान का सरकार का इश्तिहार है, अभी 5-6 दिन पहले ये दिया था, क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे, जैसे दिल्ली में नहीं थे राजस्थान में नहीं थे, तो पहला सवाल ये पहले क्यों नहीं आए। दूसरी बात, आज बीएमसी के कमिश्नर से एक